नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौर। जी हां, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कभी देश का नंबर वन राज्य कहा जाने वाला हरियाणा आज आग को शोलों में बैठा है। हालात ये है कि कभी भी किसी शहर में प्रदर्शन की आग भड़क सकती है। जाट आरक्षण की आग में 15 दिनों तक चले हरियाणा में एक बार फिर से आंदोलन की आग तेज होने लगी है। सरकार जाट नेताओं से आंदोलन ना करने की गुहार लगा रही है, लेकिन जाट हैं ये सरकार की बात सुनने को तैयार ही नहीं। यानी अगर बीच का रास्ता नहीं निकला तो एक बार फिर से सूबे में आंदोलन तय है। और अपनी मांगों को लेकर जाट समुदाय के लोग एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। इस बीच सरकार ने जाट नेताओं को बातचीत के लिए कल का न्योता दिया है। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा की सरकार को 72 घंटों का दिया गया था अल्टीमेटम, वो अब खत्म हो गया है और विधानसभा के चौथे दिन भी विधेयक पेश नहीं हुआ। जाटों की धमकी के बाद से सरकार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से आरक्षण आंदोलन के नाम पर हरियाणा में उत्पात मचाया गया था, उसे भूल पाना खट्टर की सरकार के लिए मुश्किल है। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी और कैथल के जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सुरक्षा के लिहाज से कई शहरों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। साथ ही राज्य में 80 से 85 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां मांगी गई हैं। उधर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वो इसी विधानसभा सत्र में जाट आरक्षण बिल को पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने जाट समुदाय से आंदोलन को वापस लेने की बात भी कही। संपूर्ण विकास का वायदा करने वाली हरियाणा सरकार आरक्षण को लेकर पहले हुए जाट आंदोलन को रोकने में नाकामयाब हुई। कई सवालों के साथ साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हरियाणा के गठन के 50 साल बाद जाटों को आरक्षण की मांग क्यों उठानी पड़ी। आपको बता दें कि हरियाणा में 67% रिजर्वेशन लागू है, जिनमें अनुसूचित जाति को 20%, ओबीसी ए को 16%, ओबीसी बी को 11% और स्पेशल ओबीसी को 10% आरक्षण का फायदा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े श्री वर्ग को 10% आरक्षण का फायदा मिल रहा है। हरियाणा में कई सरकारें आईं और चली गईं। जाट अपने आरक्षण की मांग को मजबूती से नहीं उठा पा रहे थे। दूसरी जातियों को मिले आरक्षण के फायदे को देखते हुए जाटों ने अपनी मांग को आंदोलन का रूप देने का मन बना लिया, जिसके लिए सभी 36 बिरादरियों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। आरक्षण का ये विवाद यूं तो यूपीए के शासन काल से शुरू हुआ था, जब साल 2014 में हरियाणा समेत 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी के कोटे में लाने का फैसला किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार के इस फैसले पर पूरी तरह रोक लग गई। अब आपको दिखाते हैं क्या है जाट समुदाय की मांग। जाट नेता अपने समुदाय के लिए ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं, जिस पर हरियाणा सरकार राजी नहीं है। उधर सरकार ने जाट समुदाय की मांगों को बीच के रास्ते स्वीकार करते हुए आरक्षण देने की बात कही, जिसके अंतर्गत सीएम खट्टर ने आर्थिक आधार पर ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। लेकिन जाट नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ने लगा और राज्य भर में आंदोलन के नाम पर हिंसा और लूटपाट हुई। हरियाणा में भड़की आरक्षण की आग सिर्फ हरियाणा तक नहीं बल्कि उसके पड़ोसी राज्यों को भी दो चार होना पड़ा। मामले का हल निकालने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही नाकाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज। जी हाँ, आरक्षण के मुहिम को लेकर जाटों की खास तौर पर पिछला अनुभव हरियाणा सरकार का ठीक नहीं रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त के 3 बड़े सवाल क्या है। क्या विकास का रास्ता आरक्षण से ही मिलेगा और जाटों के आरक्षण की मांग कितनी सही है और क्या राज्य सरकार जाटों को मनाने में फिर फेल होगी। जी हाँ, 3 बड़े सवाल हैं और हमारे साथ इन सभी चीजों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जाट नेता यशवंत दहिया, बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल और कांग्रेस नेता सुनील अत्री। यशवंत, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आखिर आपकी मांग क्या है।
हमने अपनी 7 मांग सरकार के सामने रख दी हैं, और सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि हमें सी कैटेगरी में ना देके और हमें बी कैटेगरी जो BC-B है उसमें उसके तहत हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो हमारा जो केंद्र में भी एप्लीकेबल होगा और हरियाणा विधानसभा में भी उसको मतलब उसको बिल को पेश करके पास कर दे जाना चाहिए। और दूसरा, जो ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, नाजायज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वो गिरफ्तारियाँ ना हों, और जो इस आंदोलन के दौरान जिस भी अधिकारी का रुख ठीक नहीं रहा, जिसने ये जातिवाद का मामला भड़काया और जिसने ये सब कुछ करवाया, तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों। यानी कि ये 3 बड़ी मांगे हैं आपकी। लेकिन यशवंत, एक बात और है कि जब हरियाणा सरकार और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये बात कह रहे हैं कि इसी सत्र में ये कानून जो है, जो जरूरी बिल है, वो पास कर दिया जाएगा, फिर आपको जल्दबाजी किस बात की है? नहीं, हमने तो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि उसके बाद हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार ने हमें निमंत्रण भेजा है कल के लिए, और कल हम यशपाल मलिक जी की अगुवाई में कल चंडीगढ़ अपना CM साहब से मिलने के लिए जा भी रहे हैं। उसके बाद जो निर्णय होगा वो कल मीटिंग के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और डिक्लेयर कर देंगे। यशवंत, एक बात और है, आप लोगों ने मांग की है कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए, उनके खिलाफ भी जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं पुलिस के पास, वो भी मामले वापस करने की मांग कर रहे हैं आप? अगर किसी के पास पर्याप्त सबूत हैं तो उनके लिए तो वो जो एक्शन होगा वो होगा ही। तो ये तो यही सब चीजें तो अदालत में तय होती हैं। आप अभी से अगर वापस करने की बात करें तो अदालत में मामला पहुंचेगा ही नहीं, तो उससे पहले तो बहुत से नाजायज बच्चों जो बच्चे जहाँ पे। चलिए सुनीता दुग्गल जी से बात कर लेते हैं। सुनीता जी, जो सरकार है BJP की हरियाणा में, क्या तैयारी है, क्योंकि जाटों का आरक्षण का जो आंदोलन है पिछला अनुभव ठीक नहीं रहा है? देखिए हिरेंद्र जी, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने सबसे पहले तो जो आश्वासन जो है हमारे जाट नेताओं को दिया है, और सर्वदलीय बैठक में भी जो बात कही है, सरकार कटिबद्ध है। सरकार अब की बार इस सत्र के अंदर जो है वो विधेयक लेके आने वाली है, और एक जो पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने एक जो धूल झोंकने का काम किया था उसकी बजाय जो है एक ऐसा विधेयक लेकर आएगी कि जिससे एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका निकल जाएगा। और रही बात जो केसेस हैं उसके लिए, तो मुझे लगता है कि वो सरकार के हाथ में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। जो डिपार्टमेंट है इस काम के लिए, वो डिपार्टमेंट ये काम देखेगा कि कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है और कौन नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह का वो प्रेशर करना थोड़ा सा सरकार के ऊपर, जो आपकी रेजर्वेशन की मांग है, उस रेजर्वेशन की मांग को सरकार बिल्कुल निभाने के लिए कटिबद्ध है, और विधेयक उसके हिसाब से लेकर आया जाएगा। और बहुत से, एक और मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको ध्यान हो कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो ढेसी साहब हैं, उनके जो है वो हेड कर रहे थे, और एक कमेटी ऐसी बनाई गई थी कि जो कमेटी सभी नेताओं को साथ में लेकर और उनके जो भी इनपुट्स आए उन सभी इनपुट्स को साथ में लेकर उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए जो है उनको बोला गया था, और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो रिपोर्ट है हम 31 मार्च तक देंगे। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन के तहत जो है उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी गई कि आप जल्दी इसको सत्र से पहले पहले अपनी रिपोर्ट दे दें, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो 2-3 दिन पहले उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, सभी नेताओं की सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, और उस रिपोर्ट के बेस पे जो है वो बिल लेकर आया जाएगा। और मुझे लगता है कि उसको सर्वसम्मति से सबको उसको मान लेना चाहिए, और उसके हिसाब से जो है बच्चों को वापस उस आंदोलन के रास्ते में या उस तरह के दलदल में नहीं धकेलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। खट्टर सरकार ने जो वादा किया है, सुनीता जी का कहना है कि उसे निभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुनील जी, कांग्रेस कितना भड़का सकती है इस बार इस आंदोलन को, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गए हैं इसी मामले को लेकर के? ये कहना बिल्कुल गलत है। अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने प्रशासन में विफल रहे हैं जी, और कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह अगर गिरफ्तार हुए हैं या उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, ये तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जब उसकी जांच होगी, जब पता चलेगा वो कितनी सही है या कितनी गलत है, उसके ऊपर मैं अभी से कोई अपना वो दूं वो उचित नहीं रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब इतने दिनों से, क्या इस बार भी हुड्डा साहब जंतर मंतर पर बैठेंगे? नहीं, वो बैठना या नहीं बैठना उससे कोई मतलब नहीं है जी। वो तो अगर कोई नाजायज होगा तो हुड्डा साहब क्या, सारी कांग्रेस जो है जंतर मंतर पर बैठ सकती है? क्या उम्मीद करते हैं? हुड्डा साहब ने अभी तक कहा नहीं है कि जंतर मंतर पर दोबारा बैठेंगे इस मांग को लेकर के।
हुड्डा साहब से क्या उम्मीद करते हैं यशवंत? हम तो यही चाहते हैं कि सभी की सभी राजनीतिक दल जो हमारी मांग है उसको उसमें हमारा सपोर्ट करे, उसको सही तरीके से उसको पेश करके उसको पास कीजिए। हमें कोई आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, हम मजबूर होके इस रास्ते को चुन रहे हैं, नहीं तो हम हमारा कोई इसमें मतलब यही नहीं है कि हम इसी काम के लिए बैठे हैं, यही काम हम करना चाहते हैं। हमारी बीजेपी तो वादा कर ही रही है सुनील जी, कांग्रेस क्या वादा कर रही है जाटों के साथ, खासतौर पर हरियाणा के? हरियाणा में तो जो जाट ने जो मांगा है, डिमांड मांगी है, उसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक इनको जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, बजाय उसको आज 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट बने हो गए और ये जो है जाटों को जो है बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सुनीता जी, इस बात का मैं जवाब लूंगा अभी आपसे, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A2Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आरक्षण की आग में। सुनीता जी, सुनील जी अभी ये आरोप लगा रहे थे कि जाटों को बेवकूफ बनाती रही है बीजेपी, अब उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहती। देखिए, मुझे लगता है कि शायद वो अपनी बात कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस ने किस तरह से बेवकूफ बनाया, वो गलती से बीजेपी बोल गए, क्योंकि जिस तरह से उनकी केसी गुप्ता की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में उन्होंने सभी तथ्यों को सभी बातों को ठीक से ना लेते हुए और उस विधेयक को वो लेकर आए और बिल्कुल इलेक्शन के एक दिन पहले वो उसी तरह से वहां पर जो है उन्होंने पार्लियामेंट में भी उस विधेयक को लेकर आए, जिसका हश्र ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपकी जो बिल है वो उसको निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कहीं किसी तरह का कोई कमीशन नहीं बनाया गया। जो NCBC का एक सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है कोई भी कास्ट जो है वो इसमें BC कैटेगरी में आती है जी। कोई इस तरह का उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा और एक बेवकूफ बनाते हुए जो है समुदाय को उनको एक मैं कहूंगी कि एक मीठी गोली थमा दी कि ठीक है जी आपका हमने रिजर्वेशन कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि इतने समय तक एफिडेविट तक भी नहीं दिया गया। तो जो ये सारे काम जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसके बाद अब उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ताकि वो गलतियां फिर से ना दोहराई जाए, कल को फिर से कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट में वो सारा का सारा फिर से निरस्त हो जाए, तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने सबके इनपुट्स लेते हुए सारे नेताओं के सभी दलों के। और आप देखिए कांग्रेस अब क्यों भागती फिर रही है, आप ये देखिए जब उनसे ये कहा गया कि हम ये जब बिल बना रहे हैं इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए आप अपने इनपुट्स दीजिए, तो उन्होंने इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया कि नहीं आप बनाओ हम उसके बाद देखेंगे। तो इससे साफ झलकता है कि किस तरह से वो जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सुनील जी, जवाब बनता है आप कांग्रेस भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से, एक तो जब उसकी सरकार थी सत्ता में थी तब उसने ये काम नहीं किया, अब अगर बीजेपी की सरकार है और वो कांग्रेस से उसका राय मांगती है, सुझाव मांगती है इसे कानून को बिल को तैयार करने में, तो कांग्रेस वो भी नहीं कर रही है। ये कहना गलत है, सरासर गलत है। हुड्डा जी ने या कांग्रेस के जो भी वहां पर पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, अब उन सुझावों को ये उसको मान नहीं रहे, उसका क्या कर आप सकते हैं? आप बताइए मुझे क्या क्या सुझाव है? कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना तो आपके पास है ना मेरे पास नहीं, है। हरियाणा सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, अब मैं बोल लूं, हरियाणा सरकार ने जो चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें इनको पूरा करना चाहिए। आज 1.5 साल हो गए, हम जाट आरक्षण की जाट समुदाय में इसीलिए बहुत ज्यादा आक्रोश है, आरक्षण की बात की गई थी, इन्होंने किया था गरीबी नहीं है, जाटों में भी बहुत गरीब बैठे हैं आज, 60 साल में जिनके पास 10 एकड़ जमीन होती थी आज 1.5 एकड़ जमीन रह गई। चलिए यशवंत से बात कर लेते हैं, यशवंत, कांग्रेस बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने इसमें सुझाव तक नहीं दिए ताकि बिल को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, सुझाव दिए गए। दूसरी बात यह है कि आप क्या मानते हैं कांग्रेस सहयोग कर पा रही है? एक तो मैं आप सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाट ये कोई नए सिरे से किसी आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, हमारा 91 से हमारा कंटिन्यू हमारा चला हुआ था, तो उसको दो बार कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में ये काम नहीं किया, उसको दो बार रिजेक्ट किया गया। और दूसरा, मैं दोनों दलों से जो भी राजनीतिक दल है उनसे अपील करता हूँ कि क्या आपको राजनीति करने का ये जाट आरक्षण ही मुद्दा मिला क्या? आप इसमें
अपनी दोनों सहमति बना के किसकी मानते हैं, डेढ़ साल की या जो पिछला पूरा कार्यकाल रहा उस पूरे कार्यकाल की? पिछली सरकार ने भी हमारे साथ अन्याय किया। बीजेपी की सरकार तो अब बनी है ना हरियाणा में, पिछली सरकार ने भी हमारे साथ अन्याय किया और वर्तमान सरकार भी हमारे साथ घोर अन्याय कर रही है। कैसे अन्याय कर रही है? अभी बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले इन्होंने हमें जाट नेताओं के तौर पे बांटने का काम किया कि पता नहीं कितने जाट नेता हैं। उसके बाद इन्होंने जातिगत तौर पर हमें बांटने का काम किया, लेकिन ये हर जगह विफल रहे हैं। जैसे 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 कि 35 बिरादरी का एक अलग नारा दे दिया और जाट को उसमें से अलग निकालने की कोशिश। सरकार का ये नारा नहीं है, अंदरूनी नारा चल रहा है इनका। सरकार के ही मंत्री इस बात को बोलते हैं। सरकार के मंत्रियों ने ये बात बोली है, मैंने अपने पास से नहीं बोली है। सरकार के मंत्री आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि किन्होंने ये 35 जात और 36 जात का। लेकिन जब सारी बिरादरी हमारे साथ एकत्रित होकर हमारे साथ आ गई है तो आज भी इनके भड़काऊ बयान आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको एक बात फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ हरियाणा में कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, ना कि कोई जाट बिरादरी जिम्मेदार होगी। यशवंत जी, बार बार ये बात कहना, बार बार इस तरह की धमकियां देना, बच्चों को गलत रास्ते पर मत लेके जाओ मेरे भाई, मैं आपको बार बार हाथ जोड़ के बात कहती हूं। धमकी की बात नहीं, आपने पहले भी बयान दिया। आप देखिए, सुदीप कलकल जी सबके साथ बैठ कर वार्ता हुई, सबके साथ बैठने के बाद उनके सारे इनपुट्स लेकर अगर वो वार्ता सही मेरी बात पूरी होने यशविंदर जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दें, और उसके बाद उस सारे प्रारूप को तैयार करके उसके बाद अब ये यशपाल मलिक जी हैं, उनका कह रहे हैं कि अब हमको भी बीच में लो, हमें हमसे आपने पूछा ही नहीं कि क्या, अरे सबको वेलकम किया गया था, आप क्यों नहीं आए? चलिए सुनीता जी, एक सवाल और करता हूं मैं यशवंत जी, यशवंत देखिए उनको ऐसे आग में झोंक के और उसके बाद ये बैठ के दूर से तमाशा देखते हैं। ये बात पहले एक हमारे नेता ने खुद भी कही कि हमने जो काम करना था वो अपना कर दिया और उसके बाद आंदोलन अब हमारे हाथ में नहीं रहा। चलिए यशवंत से एक सवाल करता हूं मैं, यशवंत से एक सवाल मेरा और है सर। यशवंत, एक सवाल और बनता है यहां पर कि जब तक हुड्डा यानी कि जाट नेता मुख्यमंत्री रहे तब जाटों ने ऐसा आंदोलन नहीं किया, जब तक उससे हुड्डा जी से पहले जो नेता मुख्यमंत्री रहे वो भी जाट रहे तब तक ऐसा आंदोलन नहीं किया, अब जबकि गैर जाट नेता मुख्यमंत्री हरियाणा का बना तब जाटों ने ऐसा आंदोलन किया है, तो इसके पीछे क्या रणनीति रही है? आप मैं फिर वही आपको ये कह रहा हूं कि इसको आप जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति मत बनाइए। इसका इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं 1991 से आप आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथ, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनके सामने नहीं किया और जो नया मुख्यमंत्री बना उससे आप महीने में, दो महीने में, छह महीने में, एक साल में रिजल्ट चाहते हैं। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने कांग्रेस के टाइम पे भी किया था, नहीं इतना बड़ा नहीं किया, लेकिन बार बार इतना धोखा थोड़ा ना खाएंगे। मगर उस हमारे साथ धोखा हुआ है, यानी कि जाट नेताओं ने, आप मानते हैं कि जाट नेता धोखा हुआ है, यानी कि आप मानते हैं कि जाट नेताओं ने जाट बिरादरी के साथ धोखा किया है? आप इसी धोखे को मान लें, नहीं नहीं, यानी कि आप मानते हैं, ये मानते हैं ना आपके जाट नेताओं ने जाट बिरादरी के साथ धोखा किया है, ये मानते हैं? बिल्कुल धोखा हुआ, तभी तो वो हमारे साथ ये मानते हैं ना जाट नेताओं ने, पिछले जाट नेताओं ने जाट बिरादरी के साथ धोखा किया है। जी सुनाते जी, जो आज हमें ये भोगना पड़ रहा है। जी सुनिता, सुनीता जी, हिरेंद्र जी, एक बात मैं इनसे और पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद भी ये गवाह रहे हैं अन्ना जी के आंदोलन के। अन्ना जी एक जगह पर बैठ के उन्होंने आंदोलन किया और लाखों लोग उनके पास आ गए। क्या इनके आंदोलन का ये तरीका हमारी सरकार की प्रॉपर्टी जो है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं मानते ये बात को कि वो सब इनका अपना है, वो सब इनका खुद का है, उसको आगजनी करना, लोगों को इस तरह से जो है उनके बर्बाद कर देना उनके व्यवसाय को, क्या ये तरीका आंदोलन का? जबकि सरकार जो है आपको इस बात का विश्वास दिला रही है कि वो लेकर आएगी विधेयक, तो आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर क्यों इस तरह के आंदोलन? जी सुनील जी, कौन इस तरह के आंदोलन को भड़का रहा? जी सुनील जी, ऐसा है राठौर साहब, बड़ी स्पष्ट सी बात है, जाटों को जो भड़काया है इन लोगों ने ही भड़काया है। लेकिन मैं बता दूं, आप मेरी बात सुन लीजिए, राजकुमार सैनी का पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप पे दुनिया भर के वो आ रहे हैं, वो इन जाटों को उकसा रहा है। राजकुमार सैनी सांसद हैं,
इन्होंने राज्यसभा सांसद हैं उसके खिलाफ भाजपा ने क्या हरियाणा सरकार से क्या लेने देना नहीं नहीं सांसद है तो वो हरियाणा में जो कर रहे हैं और क्या इनकी अंदरूनी सारी टीम जो है क्या आप मानते हैं उनके कहने पर ये आरक्षण नहीं दिया गया नहीं नहीं कांग्रेस सरकार ने इतने साल शासन किया उससे पहले दूसरी पार्टियों ने शासन किया उनको आंदोलन करने के लिए उकसा रहा है झगड़े डाल रहे हैं फूट डाल रहे हैं कि भाई छत्तीस बिरादरी एक तरफ और जाटों को इधर एक तरफ कांग्रेस दे रही है इस टाइप की नीति हरियाणा के अंदर भाईचारा खत्म करने के उस पे चल रहे हैं। फिर प्रोफेसर वीरेंद्र क्यों भागते फिर रहे हैं नंबर एक बात आज उन्होंने इतने दिनों के बाद सरेंडर किया और दूसरी बात फिर क्यों इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रोहतक में गए तो उनको जूते पड़े अगर इनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं कुछ नहीं और फिर क्यों एक बात और है फिर क्यों सिर्फ तीन चार जिलों के अंदर ही ये भड़का हुआ है तो ये सारी स्पष्ट बात है कि किसने